राम राम किसान साथियों, स्वागत आप सभी का वीडियो में। आज की वीडियो में हम ज्वार के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ज्वार में कौन सी दवाई डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, वो दवाई क्या काम करती है, आज की वीडियो में पूरी जानकारी ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। और आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी भी देने वाला हूं साथियों, जो आपको कोई भी यूट्यूबर कोई भी किसान नहीं देगा। मेरा मानना है कि 90% किसानों को 90% किसानों को जो है साथियों उस बात के बारे में कभी पता ही नहीं है। तो आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। पहले देखिए साथियों, मैंने एक एकड़ में ज्वार बिजाई कर रखी है, आप देख पा रहे होंगे साथियों। और ये जो है अभी 20 दिन की हुई है, इसकी ग्रोथ देख लीजिए, ग्रोथ कैसी है। और इसमें एक बहुत ही खतरनाक बीमारी आई हुई है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ पौधा पाड़ के। ये देखिए साथियों, ये देखो पत्ते ऊपर से जलने लगे हैं इसके, ये देखिए पत्ते जो हैं ऊपर से जलने लगे हैं साथियों। इसमें आ गया कीड़ा। ज्वार में जो कीड़ा होता है वो हमेशा ज्वार की गोब में रहता है साथियों, और अंदर से पत्ते को खाता रहता है, जिससे ये निशान बन जाते हैं, ये धब्बे बन जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं उन पत्तों को, ऐसे धब्बे बन जाते हैं। और जो है ज्वार के जो पत्ते हैं वो ऊपर से सूखने लगते हैं साथियों, ये देखिए वीडियो में जैसा कि। तो उसके लिए हमें कौन सी दवाई डालनी है, तो वो जो दवाई है 505, मैं कैमरामैन को कहूँगा दवाई दिखाई जरा, ये देखिए साथियों गोल्ड 505। इसमें साल्ट की बात करूँ तो जो इसका साल्ट है साथियों, ये आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए क्लोरोफायरीफास 50% प्लस साइबर मथेन 5% ईसी की फॉर्म में ये आती है साथियों। 505 दवाई डाल सकते हैं, या फिर इसके अलावा लैम्डा 20% दवाई भी जो है आप अपने ज्वार में डाल सकते हैं। पहले ये 505 का साल्ट फिर से सुन लीजिए साथियों, क्लोरोफायरीफास 50% प्लस साइबर मथेन 5% ईसी। इसके अलावा एक दूसरी दवाई है लैम्डा 20%, उसको भी आप जो है अपने ज्वार में डाल सकते हैं साथियों। ये क्या काम करती है, जो ज्वार में कीड़ा आता है साथियों, इस ज्वार में जो कीड़ा आता है उस कीड़े को ख़त्म कर देती है साथियों, गिरने के तुरंत बाद असर करना शुरू करती है। और इसका जो असर है एक महीने तक रहता है साथियों ज्वार में। जी हाँ साथियों, इस दवाई का असर एक महीने तक रहता है, आपके ज्वार में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं आएगा। एक बार गिरने के बाद आपको एक महीने तक ज्वार में कोई और दवाई गिरने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी साथियों। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ज्वार की ग्रोथ देख लीजिए। ग्रोथ के लिए हमें कौन सी दवाई डालनी है, ग्रोथ के लिए आप मोनो डाल सकते हैं, रिमोन दवाई डाल सकते हैं। रिमोन जो मोनो होती है, मोनो में जो साल्ट होता है मोनोक्रोटोफॉस 36% SL प्लस, रिमोन में जो साल्ट होता है नोवेल्ला रून, रिमोन में नोवेल्ला रून साल्ट होता है साथियों। बहुत से साथी कहते हैं कि आप साल्ट बोलकर नहीं बताते, तो मैं आपको साल्ट भी बोलकर बता दिया साथियों, फिर से रिपीट कर देता हूँ। मोनो में मोनो जो दवाई होती है उसमें मोनोक्रोटोफॉस 36% SL प्लस, रिमोन में जो साल्ट होता है नोवेल्ला रून साल्ट होता है साथियों, और बहुत ही बढ़िया दवाई है, वो भी आप डाल सकते हैं। ग्रोथ के लिए है ये, कीड़े को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है गोल्ड 505 या फिर लैम्डा। और साथियों जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला था वो ये जानकारी थी कि ज्वार में दवाई किस टाइम डाले साथियों। आज की वीडियो में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होने वाली है साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होने वाली कि ज्वार में दवाई हमें किस टाइम डालनी चाहिए। तो दोस्तों ज्वार में जो दवाई है हमें इसे सुबह के टाइम डालनी चाहिए साथियों। सुबह के टाइम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पहले मैं सीसी रख देता हूँ साथियों। सुबह के टाइम हमें क्यों डालनी चाहिए, जो ये पत्ते होते हैं ज्वार के, जो ये पत्ते होते हैं ये सुबह के टाइम खुल जाते हैं साथी, इनकी गोब खुल जाती है सुबह के टाइम, जो पत्ते होते हैं वे खुल जाते हैं, जिससे जो है दवाई सीधी इसकी गोब में असर करती है और गोब में जो कीड़ा आता है उसको ख़त्म कर देती है साथियों। सुबह 10 बजे आप जो है 8 बजे से लेकर 10 बजे या 12 बजे तक आप जो है इनमें दवाई डाल सकते हैं, उसके बाद गर्मी होनी शुरू हो जाती है और गर्मी में दवाई कम काम करती है साथियों। जैसे कि 12 बजे के बाद गर्मी होनी शुरू हो जाती है, 5-6 बजे लग जो गर्मी रहती है उस वजह से दवाई कम असर करती है। शाम के टाइम हमें दवाई क्यों नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम जो ज्वार होती है इनके जो पत्ते होते हैं ये सिकुड़ जाते हैं साथियों, ये बुझ जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो कुछ पौधे होते हैं शाम के टाइम अपने पत्ते बोच लेता है इसे,
ऐसी बोझ लेता है। तो ऐसा ही रीजन ज्वार में है साथियों, जो शाम के टाइम इनके पत्ते ऐसे, देखो मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आगे आके दिखाई, पत्ते जो शाम के टाइम ऐसे बुचने लग जाते हैं ज्वार के, कभी आप गौर करना सुबह के टाइम ऐसे खुले हुए मिलेंगे। अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 10 बजे का साथियों, 10 बजे मैं दवाई डाला हूँ, लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है, सिर्फ एक टंकी ही लगेगी और बाकी मैंने जो है 4 टंकी दवाई अपने जो है एकड़ में डाल दी और एक टंकी और लगेगी, यानी 5 एकड़, यानी 5 टंकी पर एकड़ में जो है टंकी डाल रहा हूँ दवाई की। तो सुबह के टाइम में आपको पत्ते खुले हुए मिलेंगे, शाम के टाइम ये पत्ते बुचे हुए मिलेंगे, जिससे दवाई जो है इनकी गोब में नहीं जा पाती, जिससे उसका असर जो है कम होता है साथियों। इसलिए दवाई को अगर ज्वार में हम कभी भी दवाई डाल रहे हैं साथियों, हमेशा सुबह के टाइम ही डालें, सबसे बेटर रहेगा, सबसे ज़्यादा असर करेगी दवाई आपकी ज्वार में और ज्वार की ग्रोथ रहेगी, ज्वार बिल्कुल हरी भरी होगी जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो साथियों। और इस दवाई को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ साथियों, क्योंकि यही महत्वपूर्ण दवाई है आज की वीडियो में। इस दवाई का नाम है गोल्ड 505। कैमरामैन को कहूँगा कि आगे आकर इसका साल्ट क्लियर दिखा दे, ये देख पा रहे हो साथियों, क्रोप्टोफोस 50% प्लस साइबर मिथेन 5% ईसी की फॉर्म में ये आती है, बहुत ही बढ़िया दवाई है। अब डोज की बात करूँ तो इसकी जो डोज हमें लेनी है 50 ग्राम पर टंकी, आपकी जो टंकी 20 लीटर की है या फिर 15 लीटर की है, 50 ग्राम 50 ml पर टंकी हमें इसकी डोज रखनी है साथियों अपनी ज्वार में। चाहिए आपकी ज्वार 10 दिन की है, 20 दिन की है, महीने की है, 2 महीने की है, इसकी जो डोज है हमें हमेशा 50 ग्राम रखनी है साथियों अपनी पर टंकी। जो आपकी 20 लीटर की टंकी है या फिर 15 लीटर की जो भी आपकी टंकी है साथियों, उसकी डोज आप 50 ग्राम पर टंकी रखें साथियों। तो ये जानकारी आपको देना चाहता था। ग्रोथ की जो दवाई है वो है रिमोन प्लस मोनो, रिमोन में नोवल्लारून होता है और मोनो में मोनोक्रोप्टोफोस 36% होता है। गोल्ड 505 की मैंने आपको दवाई बता दी है, दवाई हमें किस टाइम डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए वो भी मैंने आपको टाइम भी बता दिया है और दवाई भी बता दी है साथियों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें। आज जोड़कर रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, आप लाइक ना करें, लाइक की जगह शेयर कर दें साथियों। कम से कम इस वीडियो में आपको 10 शेयर करने हैं साथियों, जी हाँ साथियों 10 शेयर करें, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा साथियों। मैं हमेशा आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं साथियों, फिर भी व्यूज़ नहीं आते, इसका क्या कारण है वो तो मुझे पता नहीं है, क्या पता मैं जो है अच्छी जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ शायद, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट जानकारी देने की कोशिश करूँ मैं। बाकी हमेशा प्रैक्टिकली ही आपको दिखाता हूँ, हमेशा खेत में रहता हूँ, वो खेत में ही वीडियो बनाता हूँ। आप जैसा कि देखते हैं बहुत से यूट्यूबर जो है ऐसे जो है ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो बना देते हैं और चैनल पर डाल देते हैं, व्यूज ही व्यूज आते हैं उसमें, लेकिन जो है मेरी वीडियो पर मैं प्रैक्टिकली करता हूँ फिर भी व्यूज नहीं आते साथियों। इसका कारण क्या है वो तो आप जाने या ऊपर वाला जाने साथियों। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए जय जवान जय किसान।